हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक स्टार्ट इन। तो अभी ये जो व्लॉग है वो है मेडिसन बीच पार्क का। तो हम लोग चेरी ब्लॉसम देख के और वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले मेडिसन पार्क के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ था और हमें ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना था और साथ में बहुत सारा प्लान था। तो फिर हमने सोचा कि कुछ देर हम लोग पहले यहाँ पे थोड़ा देर रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे कहीं और घूमने के लिए। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले और वो जो एरिया था जहाँ पे, वैसे तो डाउनटाउन जो है वहाँ पे आपको बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स दिख जाएंगे, चारों तरफ आपको हाई राइज बिल्डिंग ही दिखेगी। और ये डाउनटाउन की खासियत है कि वहाँ पे आप जाइए तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। और हमारा जो एरिया है वहाँ पे आपको डाउन टू अर्थ टाइप के बिल्डिंग्स दिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस ऐसे निकल गए थे, नेबरहुड एक था, एक एरिया वहाँ पे हम लोग गए और वो एरिया जो था वो काफ़ी मतलब लाइवली था। और वहाँ पे हमने देखा कि एक ऐसा शांत सा प्लेस था जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे, ऐसे घूम रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे ही जाके आराम से बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल हाई टाइड्स वहाँ पे आया हुआ था। तो वो देखते देखते हम लोग वहीं पे बैठ के और कुछ देर रिलैक्स होके, बिल्कुल कुछ भी दिमाग में ना सोचते हुए हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। और तब तक अचानक से वहाँ पे बहुत सारे डक्स आ गए और कैनेडियन गीज भी वहाँ पे आ गए बहुत सारे, और जो सीगल होता है वो भी आ गया था बहुत सारा। और एक मैंने वहाँ पे डिफरेंट बर्ड देखा जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, वो है कबूतर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कबूतर नहीं देखे थे, वो फर्स्ट टाइम वो भी दिखा, वो भी आ गया था। और सारे बर्ड्स आके, उन्हें लग रहा था कि हम लोग उनको कुछ खाने के लिए देंगे, इसलिए वो बिल्कुल आके, मैं आईज क्लोज करके बैठी हुई थी और अचानक से लगा कि पैरों में मेरे कुछ पोक कर रहा है। तो मैंने देखा तो वो डक्स थे और वो दोनों डक पैर को बिल्कुल लग रहा था कि मांग रहे हैं खाना मांग रहे थे, लेकिन हम लोग लेके नहीं गए थे इसलिए थोड़ा सा लगा भी। वैसे यहाँ पे है कि आप बर्ड्स को अगर फीड कराते हैं कुछ भी तो बर्ड फूड ही ले जाना पड़ेगा, आप ये जैसे कोई भी स्नैक्स ले जाके उन्हें नहीं खिला सकते हैं। और ऐसे खिलाना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ का वेदर कुछ अलग ही है, यहाँ का कंडीशन अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बर्ड्स को ये सारी चीज़ें खिलाएंगे तो उन्हें बीमारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही ऐसा ये लोग रिसर्च किए थे जहाँ पे इन लोगों को पता चला था कि बर्ड्स जो है, जिनको ये लोग स्नैक्स ले जाके खिलाते थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे खिला के चले आते थे, तो वो सारे बर्ड्स और एनिमल्स को डायबिटीज़ हो गया था। तो ऐसा यहाँ पे यहाँ के एनिमल बर्ड्स को हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर कंडीशन ऐसा है। तो फिर मना है, तो यहाँ पे बर्ड के लिए अगर आपको स्पेशली खिलाना है तो उनके लिए ही आपको कुछ ले जाना होगा, ऐसे आप नहीं ले जा सकते कुछ भी। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे और थोड़ा सा डिफरेंट लगा, और अच्छी बात है, ये कोई ख़राब बात नहीं है, कि यहाँ पे लोग डॉग्स लेके घूमते हैं, लेकिन डॉग्स को, जो गंदगी डॉग्स फैलाते हैं उन्हें वो लोग खुद साफ करते हैं। मतलब एक हर जगह यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का पॉली बैग मिल जाएगा, अगर डॉग्स ने कहीं गंदगी फैला दी तो उनके मालिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई देखे ना देखे इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको बस ये है कि वो गंदगी है तो उसे हटाना है। तो वो हटा के और उसे एक पर्टिकुलर एरिया रहता है डॉग्स का, जो गंदगी होती है उसे फेंकने के लिए, तो वो लोग वहाँ डालते हैं। लेकिन इंडिया में है कि कहीं भी चले जाइए आपको रास्ते में दिख जाएगा, और कितना वो घिनौना लगता है, कितना ख़राब लगता है, वो देख के बहुत बुरा लगता था। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि सारे लोग अपने डॉग्स लेके चलते हैं लेकिन कोई भी गंदगी नहीं फैलाता है, तो ये चीज़ अच्छा था। और यहाँ पे कैनेडियन गीज जो थी वो तो खैर ये बहुत बड़ी बर्ड होती है, और ये आके बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी कि मैं कुछ दे दूँगी इसको खाने के लिए, लेकिन कुछ मेरे पास था ही नहीं तो मैं क्या देती। और ये जो पार्क है ना, इसका नेबरहुड जो है बहुत ही अच्छा है, और आसपास जो है आपको यहाँ पे प्ले एरिया भी मिल जाएगा जहाँ पे बच्चे जो है वो खेल सकते हैं। और ये पार्क जो है ये 4 बजे सुबह से लेके रात के 11:30 बजे तक खुला रहता है, तो
इन टाइम के बीच में आप कभी भी आके यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे इंडिया जैसा आपको कोई स्टॉल नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ रेस्टोरेंट है बहुत सारे जहाँ पे आप जाके अगर चाहें तो खा सकते हैं। ऑल दो हम लोग वैसे हमें मन भी नहीं था, क्योंकि मैं तो वैसे भी पैक करके ले जाती हूँ बाहर अगर कभी भी जाना होता है तो, लेकिन इस बार हमने सोचा कि यहाँ का आइसक्रीम भी हम लोग इन्जॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए वॉलमार्ट जाना था, तो फिर हमने यहाँ पे एटलीस्ट 15 मिनट हमने बिताया था यहाँ पे। और ये पार्क जो है ना वो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, और फिर यहाँ पे टेनिस कोर्ट भी है, लॉन एरिया भी है, स्विमिंग बीच है, लाइफ गार्ड चेयर भी बने हुए हैं वहाँ पे, और बेंचेस हैं, और ग्रासी स्लोप है जहाँ पे लोग आराम से बैठ सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद हम लोगों को जाना था वॉलमार्ट, तो ये जो टनल वाला एरिया था वहाँ से ही हम लोग निकले, और फिर से वही सूदिंग सा जो बीच था, मतलब वाटर बॉडी था वो दिखा, और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आइसक्रीम का पार्लर है वहाँ पे हम लोग गए, जैसे कहा जाता है मंचीज फ्रोजन योगर्ट। तो ये बेसिकली मतलब वेजिटेरियन होता है, वीगन तो नहीं कहूँगी लेकिन वेजिटेरियन होता है, और वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे जिसमें से आप कोई भी फ्लेवर आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स के फ्लेवर होते हैं, बहुत सारे चॉकलेट फ्लेवर भी होता है, बहुत तरह का फ्लेवर होता है, जितने भी बेरीज होती हैं उन सब बेरीज़ के फ्लेवर होते हैं। तो यहाँ पे है कि आपको बस यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है अपना कोई भी बड़े साइज़ का, मिडिल साइज़ का, छोटे साइज़ का, आप यहाँ पे टब उठाइए और उसमें आराम से अपने चॉइस का जो भी आपको पसंद है यहाँ पे वो डालिए आइसक्रीम, और उसके बाद आप इसमें स्प्रिंकलर भी अपने चॉइस का डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंकलर्स होते हैं, और बस आप क्या कीजिए, पिक कीजिए, चूज़ कीजिए और पे करके निकल आइए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि अपने हाथ में है कि आपको कौन सा फ्लेवर लेना है, और जो फ्लेवर आपको पसंद आए वो आप लीजिए। कुछ यहाँ पे तो काफ़ी लोग ऐसा ही कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी इवन अपने च्वाइस के अनुसार उठा रहे थे उनको कौन सा फ्लेवर पसंद है, और खाना है तो उन्हें खुद ही मतलब अपने चॉइस का ही पसंद करके वो लोग यहाँ पे स्प्रिंकलर्स भी ले रहे थे, और स्प्रिंकलर्स बहुत अच्छे से यहाँ पे सब कुछ था, कोकोनट से लेके सब कुछ सारे ही फ्लेवर थे, और इवन यहाँ पे फ्रूट्स के भी चॉइसेस थे। वैसे तो हम लोगों ने सोचा कि फ्रूट का चॉइस लेते हैं यहाँ पे, ऑल दो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर भी थे, लेकिन हमने सोचा कि फ्रूट्स लेंगे, और हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि ये बोबा था बहुत अच्छा था, मैंगो फिल्ड और स्ट्रॉबेरी फिल्ड बोबा था, और ऐसे ही हमारा टाइम स्पेंड हुआ, फिर हम लोग घर चले गए। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।